ब्लॉग कैसे आप सब, आई होप कि आप सब ठीक और स्वस्थ होंगे। तो आज के ब्लॉग में हम बनाने वाले कुछ चटपटा और हमारे बिहार का कुछ फेवरेट खाना जो कि हम गांव वाले को बहुत ज़्यादा पसंद होता है, तो वही बनाएंगे आप लोग। जैसे कि हम बता देते हैं, साग और रोटी, और रोटी में मकई की रोटी यानी मक्के की रोटी बनाएंगे। तो चलिए भैया, हमारा तो हम छत पर आ गए थे क्योंकि वहाँ पर देखिए हमारा जरना सभी ला के रेडी कर लिए थे। तो चलिए अभी नीचे जाते हैं, उसके बाद आप लोग को बताते हैं क्या करना। साग को धो के उसके बाद मतलब चूल्हा पर चढ़ा देंगे और एक साइड रोटी बनाएंगे। तो चलिए आप लोग ब्लॉग पर बने रहिए। तो गाइस, तो अभी हमारा ये देखिए हमारा साग अभी इसे ना अच्छे से मतलब देख लिया गया इसमें कोई और जंगल तो नहीं है ना, तब इसे हम काटे उठेंगे। उसके बाद काट के मतलब इसे धोएंगे। इसमें हम पानी ला रहे हैं बाल्टी में, यहाँ पर बाल्टी दिख नहीं रहा आप लोग, यहाँ बाल्टी पर पानी ला रहे हैं और भी इसे काट काट के इसमें देंगे थोड़ा देर फूलने के लिए, ताकि इसका जो भी मिट्टी रहे वो जो है एक सेकेंड। और ये इसमें सरोची का साग कहा जाता है। तो हम इसे अच्छे से मतलब कि सभी को काट काट के धो लेंगे, उसके बाद इसे उबालने के लिए छोड़ेंगे। और हम प्याज मिर्ची और लहसुन ले लिए, मतलब इसे फ़ौरन में इसे फ्राई करने के लिए। वैसे ना मतलब नहीं हो रहा था इसीलिए हम सूप खाली हो गया। तो हमारा ये फाइनली पूरा कट के रेडी हो चुका है, अब इसे थोड़ा देर फूलने देते हैं। इसे 5 मिनट फूलने देंगे, उसके बाद क्योंकि इसमें अगर जो भी मिट्टी होगा वो गल के इसी में मिट्टी में मतलब पानी में ही रह जाएगा। फाइनली हमारा जो है ये 5 मिनट हो चुका है, अब इसमें अच्छे से अब इसे पानी को गार गार के इसमें डालेंगे, उसके बाद चूल्हा को जलाएंगे, आग जलाएंगे। तब उस पर उधर एक साइड साग होगा तो एक साइड हम रोटी बना लेंगे। तो हमारा फाइनली जो है इसे हम ढक दिए, अब इसमें जो भी पानी होगा वो भी अभी ऐसे में ना मतलब जितना पानी रहता है बहुत सारा पानी निकल जाता है, और उस टाइम मतलब इसको जो मतलब हम खाली से गलाएंगे सिझाएंगे जो पानी इसमें पानी कम छोड़ेगा, तभी हम आग जलाते हैं, उसके बाद आप लोग को दिखाएंगे। तो पानी हम साइड पर लेते हैं, ये सब उधर उधर अभी आग जला के उसके बाद हम रोटी बनाएंगे मक्के का रोटी। तो आप लोग ब्लॉग पर बने रहिए एंड तक। तो हम जलाएंगे अभी आग चूल्हे का,
तो हमारा फाइनली आग जल चुका है। तो इधर हम अभी इसमें ना अभी हरी मिर्च डाल देते हैं धो के 4-5। तो इधर तब तक मेरा साग होगा तो हम इधर रोटी बना सकते हैं। तो अभी हम रोटी के लिए जो भी सामान है वो हम फटाफट से लेकर आते हैं और ये किसी को दे देंगे काटने उठने के लिए, वरना हम रोटी बना के खुद से काट लेंगे। यहाँ पर रख देते हैं। तो चलिए आप लोग बने रहिए ब्लॉग। तो हम इधर तवा हुआ, इधर मकई का आटा जो है ला लिया और इधर सभी चीज़ ला लिया, तो फटाफट अभी बना लेते हैं। और इसमें अभी नमक ऐड कर देते हैं, इसमें मतलब कि साग में जो नमक ऐड कर देंगे तो अच्छा रहेगा। चलिए अब हम मकई का आटा जो है गूंदेंगे। और ना मतलब बारिश भी लगाई हुआ है, अंधेरा भी हो सकता है खाना बनाने में, फिर भी कोशिश करेंगे आप लोग को कि दिखाए। तो हम फाइनली इस आटा को अच्छे से गूंद लेते हैं। आप लोग में से किन किन को मक्के की रोटी और साग पसंद है आप लोग को हमें ज़रूर बताइएगा। तो ये देखिए आप लोग को और कुछ दिखाना है, तो ये देखिए हमारा भुट्टा टन टन है, ऐसे पकाएंगे बाद में। फाइनली हम ना इधर मतलब उलट पुलट कर दिया, इसको इधर दे दिया इसको उधर, क्योंकि रोटी पहले बना लेंगे कि नहीं वरना लाइट कटेगा तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा इसीलिए। और हमारा भुट्टा भी है अभी, झींगा का सब्जी, गेहूं का रोटी भी बनाना, तो पहले इसमें अभी पहले ये खाना बनाते हैं उसके बाद हम कुछ बनाएंगे। तो पहले मक्के का रोटी और साग बना रहे हैं। तो मेरा साग तो चढ़ा दिया है और मक्के का रोटी का आटा जो तैयार हो गया था, तभी हम फिर से वो मतलब एक और ब्लॉग बना रहे थे, तभी अंधेरा भी हो रहा है इसीलिए वीडियो साफ नहीं आ रहा है। तो हमें तो उतना बड़ा नहीं आता बनाने के लिए, हमें छोटा छोटा आता है, तो हम छोटा छोटा ही बनाते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा बहुत किसी किसी को तो बहुत बड़ा भी आता है। और अंधेरा बहुत ज़्यादा हो रहा है और हमारे क्या बताएं आप लोग को। और किन किन को बनाना आता है आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और हमारा तवा पूरा गर्म हो चुका है, अब नहीं करेंगे क्योंकि फट रहा है, तो अभी हम तवा पर दे रहे हैं। कपड़ा धोए तो फाइनली हमारा ये तो हो गया, अब इसे तवा पर दे देंगे अच्छे से और जो फट गया उसे इसे कर देंगे। और हम अभी साग को एक बार ला लेंगे। तो हम तवा पर रोटी दे दिए और हम सेकेंड रोटी का आटा गूंदेंगे। और इधर ये मेरा रोटी भी होने
और ये रोटी भी अब हो गया, इसे मतलब रखना पड़ेगा एक बार इसीलिए। तुम इसे पलट के दे दिए सेकेंड साइड सीझने के लिए, क्योंकि एक साइड तुरंत हो गया क्योंकि तवा बहुत ज़्यादा गर्म था इसीलिए। तो सेकेंड रोटी का अब बना रहे हैं क्योंकि लाइट कम है और अंधेरा भी हो रहा है इसीलिए। रोटी फाइनली बनकर रेडी हो चुका है, तो हम सेकंड रोटी का अब जो ये देखिए हमारा अच्छे से रोटी सीज के रेडी हो चुका है, तो हम इसे यहाँ पर भी खड़ा कर सकते हैं। तो हमारा सेकेंड रोटी भी हो गया, अब इसे अच्छे से देंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारा सेकेंड रोटी भी हो रहा, अंधेरा भी हो रहा, तो हम अभी देखेंगे साग तो हमारा लगा हो गया है। तो ये देखिए हमारा साग भी होने को है, तो मुझसे ऐसा हो गया तो अभी से हम सोच रहे हाथ उठ के, तो हमने तो सभी में थोड़ा देर और लोग दो तीन मिनट ऐसे घाटेंगे। तो ये देखिए हमारा साग हो गया था, तो इसीलिए हम इसे घाट रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं अच्छे से सीज गया है ये, इसलिए भी घाट उठ देते हैं अच्छे से, फिर से फ्राई करना। इधर देखिए हमें रोटी भी बनाना था इसीलिए, तो हमारा साग इधर हो गया, अब इसे हम फ्राई करेंगे। तो इधर हमारा साग भी हो गया, रोटी भी हो गया, अभी इसे धो के और इसे धो लिए थे लोहिया को, और इसमें फोरन पका रहे लहसुन हरी मिर्च प्याज। आप लोग देख सकते हो गेहूँ का रोटी भी जो बना रहे थे ननद मेरी बना रही थी, तो हम फ्राई करेंगे सर साग को अच्छे से। आप लोग देख सकते हो कि अच्छे से इसे फ्राई करना पड़ेगा, उसके बाद हमारी रोटी लास्ट रोटी भी है। तब तक हम क्या करें आप लोग बताइए, ये मेरा फोन भी पक गया, तभी से साग को अच्छे तरीके से भून लेंगे ताकि साग खाने में और भी ज़्यादा टेस्टी लगे। और गेहूँ का रोटी भी हो रहा है, तो क्या कहे आप लोग को, तो लाइट के बिना तो वीडियो बनाना ये बेकार हो रहा है। तो हम खाना वाना बना के आपको खाना पीना सभी चीज़ हो गया और आए थे सोने के, मतलब हमें नींद भी लग गया था, तो हम सोचे ब्लॉग तो शूट किए ही नहीं। हमारी राशि भी सो चुकी है, मतलब बिछावन भी नहीं बिछाए थे क्योंकि आज मतलब वो सारा चीज़ तो धो के रख दिए, और बेडशीट भी चेंज तो किए थे, फिर भी कर दिए, फिर भी मतलब अभी बिछावन तो नहीं बिछाए, अभी ये सोई हुई है, तो इसे दादी के पास देंगे तो ये दूसरे को मतलब अभी ऐसे सुला दिए। और आगे मतलब इसे ना अभी फीवर आ गया है, फीवर हो गया और सर्दी जुकाम भी है, और दवाई भी दिए हैं डॉक्टर साहब, तो देखते हैं छूटेगा छूट जाएगा। और अभी बुखार वाला दवाई तो दे के सुला दिए हैं, क्योंकि हमें ये लगा था कि अभी बच्चे को जगाना आना चाहिए, क्योंकि अगर जग जाएगी तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा, क्योंकि एक तो पूरा मतलब दिन भर तो सही से रहती नहीं है, और रात में भी सोने में तो दे नहीं रही थी, इसीलिए मतलब उसे सुलाते सुलाते मेरा भी आँख लग गया था तो कुछ देर। तो हम सोचे कि पहले ब्लॉग शूट कर लेते, उसके बाद हम खाना पीना खा लिए। आप लोग बताइए आप लोग क्या करें, खाना खाए या नहीं खाए, तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएगा, और क्या खाएँ तो हम ना आप लोग से एक रिक्वेस्ट करना चाह रहे हैं,
कि आप लोग हमें ढेर सारा प्यार और ढेर सारा सपोर्ट दीजिए ताकि हम और भी आगे बढ़ सके। तो चलिए फिलहाल इस ब्लॉग में यही तक। आई होप कि आप सबको ये ब्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए कि ये ब्लॉग ऐसा लगा। तो प्लीज़ आप सबका कमेंट का हमें इंतज़ार रहेगा।